तो गाइस स्टार्ट करने से पहले भाई हेडफोन लगा लेना, क्योंकि भाई ऑल माइक पे भाई सारे लोग क्राफ्टन की माँ की आंख कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने पहले बता दिया है आपको। और भाई इस मैच में कम से कम 4 से 5 बार सर्वर को हैक करता है, ठीक है। तो मैं कैसे बताऊँ कि भाई 4 से 5 बार सर्वर हैक होने के बावजूद भाई मैं एंड सर्कल में कैसे पहुँच गया था, ठीक है। तो कभी भी भाई ओके मत दबाना यहाँ पे, और कभी भी गेम को मिनिमाइज मत करना। जंप बटन नहीं आएगा, आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपको सिर्फ प्लेन में बैठना है, ठीक है। और इरेंगल कम से कम भाई 50 किलोमीटर दूर हो जाता है, मतलब भाई अब क्या ही बताऊँ मैं, इतना दूर चले जाता हूँ, मतलब भाई एक तरह से पूरा इरेंगल दिखना बंद हो जाता है, इतना दूर तक चले जाते हैं। तब तक वो जो भी हैकर है भाई वो अपना हैक ऑफ नहीं करता, सर्वर हैक, ठीक है। और पिंग आपका भाई इतना ही दिखेगा, ठीक है। तो भाई मतलब पहले भी एक बार मेरे साथ हो चुका था, तब मैंने भाई मतलब एग्जिट कर दिया था। इतना मेरे पास मैंने कि भाई इतना टाइम क्या पास करना, क्या हो रहा पता ही नहीं चल रहा। मेरे को लगा भाई मेरा खुद का वाईफाई ख़राब हो चुका होगा, बट बाद में पता चल गया भाई वाईफाई तो मेरा ठीक था। तो भाई मेरे को पता चला कि भाई मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि भाई ऐसा सर्वर हैक होता है। जब ये गाइस सेकंड टाइम हो ना, तो फिर मैंने एग्जिट नहीं किया, ना ओके दबाया, ना मिनिमाइज़ किया, ना मैंने अपना इंटरनेट को डिसकनेक्ट किया। और भाई मतलब स्टार्टिंग से प्लेन में कम से कम 10 से 12 मिनट तक भाई प्लेन पे बैठे थे अपन। तो यहाँ पे देख सकते हो अगले 5 मिनट तक भाई हम प्लेन के ऊपर ही दिखेगा यहाँ पे, बट मैंने थोड़ा बीच में काट दिया पार्ट, जैसे छोटा लग रहा है। और भाई स्टार्टिंग मैंने टाइम स्टैम्प दे दिया कि भाई आपको देखना है कि भाई कहाँ पे जाके अपना सर्वर ठीक होता है, मैंने वो टाइम स्टैम्प डाल दिया है। 5:50 पे वहाँ पे जा सकते हो, ठीक है। तो वहीं पे चलते हैं अपन। इंग्लिश में बात करनी है तो जाना लंदन में। भाई तोड़ा तोड़ा लेता है क्या? भाई तोड़ा तोड़ा लेता है क्या? भाई सर्वर निकाल दीजिए। भाई 5 10 5 1 मिनट रुको, हो जाएगा अपने आप ये सही। बात करते हैं देखो पिंडो के ए वड़कन वड़कन भाई। अरे भाई भाई अपन 19 किलोमीटर गया है। इनसे जेनुइन खेल के भाई कौन करने लेगा? साले हैक लगा लेते भोसड़ी वाले। टीवर प्लेयर आ जाए ना, अरे भाई इनसे बोट भी नहीं मारेगा भाई, इनसे बोट भी नहीं मारता भाई, इनसे बोट भी नहीं मारता भाई। सेनोक मुझे आगे रुकेगा भैया, ये प्लेन अब ऐसा लग रहा है भाई। ये मेरे मत भाई, भाई ओके का ऑप्शन आ रहा है, इसको नहीं दबा रहा है ना भाई, इसको दबाना भाई, दबाना। ಅಮೌಂಟ್ ಕೇಳೆ ನಾ ಸೌಂಡರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೇಳೆ ಅವನ ಪೇರ್ ಏನು ಬ್ರೋ? ಚಾಂಪಿಯನ್ ನಾ ನೋಡ್ರ ಮಿಡ್ ರಿಸ್ಟ್ ಬರ್ರ ಬರ್ರ ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಬಾಯ್ ಬ್ರೋ, ನಾ ಸೌಂಡರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೇಳೆ ಸಂತ್ರ ಸರ್ ಮತ್ತು ನಡು ಸೊಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕೇಳೆ ಸರಿ ನಾ ಗಣ್ಣಲ ಇದೆ ನಡು ಸೊಲ್ಲ ಪುರಿಲ್ಲ ಬ್ರೋ, ನಡು ಸೊಲ್ಲ ಪೈ ನಿಂತುಕೋ ಬ್ರೋ, ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎತ್ತಿ ಅಪ್ಪಡಿಯಾ ಸರಿಯಾ எப்படி போறோம் अरे भाई 1 घंटे वेट कर लो, सही हो जाएगा भाई, 1 घंटे वेट कर लो। हां சொல்லு bro, போன ராயல் பாஸ்ோட கடைசி 100 அடி ஜம்ப் போட்டுட்டேன். हेलो 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 हां भाई बोलो। अरे भाई हैकर सही कर दे यार, सही कर दे मेरे भाई, सही कर दे यार, क्या बिगाड़ कर रहा है। हेलो 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 सुनना भाई, हां भाई मिलिट्री बेस का लास्ट का जो करंट जाम वहां पे चिकन बन जाएंगे। नहीं अप्पा इनको मारना है ना, मारो या ब्रो। 10 ला 10 20 बंदे तक उतरेंगे, आप 100 है।
ये भाई ये सर्वर हैकर की प्रो सर्वर है मैम ज्यादा डबला बैन का बहुत बैड भाई ये इन सोलो टॉप 100 अरे ये राइजिंग आउट को निकल जाने बोलो सर्वर ठीक कर दूंगा सर्वर ठीक कर दूंगा गोन कंप्लेंट मिस पबजी भाई ये क्या हो गया भाई ये क्या हो गया भाई अंधेरा है तो अंधेरा है वन बैन यू ओ शिमाई यो तो यहाँ पे भाई अपना जो मैप है बिल्कुल जुपिटर जैसा दिखने लग चुका है, ठीक है, और बिल्कुल बिंदी सा जो कि रेंगल मैप है वो भी दिख रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे जाके भाई अपना सर्वर फिक्स होता है, जो अपना पिंग दिख रहा है वॉइस वो बिल्कुल नॉर्मल पिंग हो जाएगा और आपको जंप का बटन दिखने लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भाई ये गलती मत करना कि भाई आप बिल्कुल ओपन में घूम रहे हो, क्योंकि भाई ओपन में घूम रहे हो बिल्कुल, जब ओपन में रहोगे ना तो क्या पता दोबारा हैक हो जाए और भाई आप मर जाओगे। मैं लकी तक भाई मैं इवेंट के ऊपर आया और यहाँ पे भाई दोबारा हैक होता है। तो पहला यहाँ पे किल देख लो ये वाला, और गाइस मतलब भाई बिल्कुल यहाँ पे मैं क्राउन पे पहुँच चुका हूँ, ठीक है, मेरा दूसरा दिन ये पुश करते हुए। और बंदे भाई कतई जहर खतरनाक आ रहे हैं और यह दोबारा हैक हो जाता है। और किल फीड देखो भाई, वो एक ही बंदा मारे जा रहा है सबको, जो भी ऑफलाइन बंदा है। अब ये नहीं पता कि भाई वो सर्वर हैकर है या फिर कोई और है। और यहाँ पे भी आपको ओके नहीं दबाना है, और ये भाई बदमाश माधर जात शायद यही हैकर है भाई, लिए जा रहा है किल पे किल। तो भाई मतलब ऐसा हो जाता है बहुत, कम से कम 6 से 7 मिनट तक दोबारा उसने हैक करके रखा हुआ था, अब यहाँ पे जाके फिक्स होता है। और भाई जोन मतलब भाई उतना ही रहता है, ठीक है, दिखता नहीं है, बट जैसे सर्वर हैक ठीक होता है फिर जो दोबारा जोन छोटा हो जाता है और यहाँ पे वापस से बंदे इधर उधर फाइट वाइट होने लग जाता है। और यहाँ पे पिंग देख सकते हो नॉर्मल वापस आ चुका है। एंड बूम गाइस, दोबारा मतलब दोबारा नहीं, तीसरी बार भाई सर्वर हैक हो चुका है यहाँ पे। पिंग यहाँ पे देख सकते हो, और भाई मैं मूव नहीं कर पा रहा हूँ। तो भाई मैं जोन देखता हूँ तो भाई मेरे को लगा कि जोन का डैमेज पड़ने वाला है, जोन के बाहर हूँ मैं, तो जोन के अंदर चले जाता हूँ। अब यहाँ पे भाई आपको दिखेगा भाई मतलब बिल्कुल अजीब ही दिखेगा, यहाँ पे वापस से भाई पिछले बार की तरह जोन वैसे ही चिपक जाता है, बिल्कुल अटक जाता है यहीं पे, ठीक है। तो मेरे को लगा भाई जोन का डैमेज ना पड़े, मैं थोड़ा सर्कल में चले जाता हूँ। तो अभी भी सर्वर हैक है यहाँ पे, तो यहाँ पे भाई मेरे को बूस्ट लग रहा है और वापस से नॉर्मल पिंग आ चुका है। बट दिखता है कि भाई दूर वाला बंदा फाइट ले रहा है, ठीक है। अब मैं आपको भी दिखाता हूँ यहाँ पे होता क्या है। वैसे डैमेज मेरे को अभी भी पहुँच रहा है, देख सकते हो आप, मेरा हेल्थ नीचे गिर रहा है। तो मैं जंप करने की कोशिश करता हूँ, मेरे को लगा कि भाई मैं भाई इवेंट से बाहर चले जाता हूँ, जोन में जाने की कोशिश करता हूँ। और ये गाइस वो बंदा किसी को मार रहा था, मैं आपको बताऊं मतलब यहाँ पे गजब की चीज़ है भाई, वो बंदा मेरे को ही मार रहा था, क्योंकि उस टाइम भाई मैं जैसे सर्वर हैक होने से पहले वहाँ पे था, ठीक है, कहाँ पे मैं वापस भाई वहाँ पे मतलब जैसे यहाँ पे मैं जंप नहीं कर पा रहा, तो अभी जैसे सर्वर ठीक होगा मैं वापस से वहीं पर पहुँच जाऊँगा। तो वहाँ पर भाई वो मेरे को मारा था और मैं भाई उसको मारा था, लेकिन किसी और जगह से, मतलब भाई गजब जी, बिल्कुल जिसने डार्क सीरीज देखी होगी वैसा कुछ फील हो रहा था। तो भाई मैं सोच रहा था कि मैं जल्दी से एग्जिट करूं, क्योंकि भाई डैमेज पहुंच रहा है, मैं जोन के बाहर ही ना मर जाऊं, नहीं तो भाई 43 पे भाई माइनस माइनस लग जाएगा। बट यहाँ पे भाई एग्जिट का बटन ही नहीं है, मतलब भाई पिंग ठीक है बट अभी भी भाई सर्वर हैक का ऑप्शन मेरे को लग रहा है चालू है इस बंदे का। तो यहाँ पे पट्टी मारता हूँ और भाई अचानक से यहाँ पे ठीक हो जाता है और मैं वापस अपने पिछले जगह पे चले जाता हूँ जहाँ पे भाई फर्स्ट टाइम सर्वर हैक हुआ था, ठीक है, मतलब जहाँ से मैं बच के बिल्कुल जोन में जाने की कोशिश कर रहा था वहाँ पे पहुँच जाता हूँ। थोड़ा देर वेट करो, मैं भाई स्टिंगरे ढूंढ रहा था कि भाई उसे फास्ट हम जोन के अंदर चले जाएंगे, बट भाई स्टिंगरे नहीं मिल रहा यहाँ पे। यहाँ पे देखो काफ़ी बंदे प्ले जोन से मर रहे हैं, तो मैं भाई तैर के जा रहा था बिल्कुल बाहर की तरफ। और देखो गाइस बूम, यहाँ पे जैसे हैक, यहाँ पे मतलब सर्वर हैक हुआ था, वापस वहीं पे पहुँच चुका हूँ मैं।
अब देखो यहाँ पे भाई डैमेज पहुंचना पड़ता है, स्टार्ट हो जाता है डैमेज बहुत ज्यादा, क्योंकि भाई जोन काफी छोटा हो चुका है। मैं अभी आपको जोन दिखाता हूँ, और भाई काफी बंदे जोन के बाहर मर रहे हैं, और जो जो ऑफलाइन बंदे हैं सारे निपट रहे हैं। किल फीड भी देख सकते हो, धड़ाधड़ जो किल फीड है चालू हो चुका है। और भाई ये मतलब अचानक गायब हो जाता है, मेरे को भाई प्ले जोन से मर चुका है बाहर, क्योंकि मैंने काफी डैमेज दिया था। अब ये देखो भाई मैं भी मर जाता हूँ जोन के बाहर, बट भाई मैं इवेंट के अंदर मरता हूँ, इसलिए भाई मेरा रिकॉल हो जाता है, ठीक है, खुद पे ही खुद से रिस्पॉन हो जाता हूँ। मतलब इतने छोटे से सर्कल में खुद ही रिस्पॉन हो गया भाई, गजब। मतलब इतने टाइम तक पता नहीं होता भी है कि नहीं, बट इस मैच में क्या हो रहा था मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। और बचते हैं सिर्फ 14 बंदे, तो भाई मतलब कितने बार हैक हो चुका है सर्वर, तब भी जाके भाई एंड सर्कल पहुँचा है। तो मैं भाई जोन के बिल्कुल मिड में उतरने की कोशिश करता हूँ, बट वहाँ पे ऑलरेडी बंदा होता है और छोटा सा घर है, लूट में नहीं मिलेगा। मैं लेवल 1 का होता हूँ तो भाई आराम से फेल देता वो, इसलिए मैं थोड़ा बड़ा अपार्टमेंट लेता हूँ। और यहाँ पे ऑलरेडी एक और बंदा है, उसने किसी को तो लपेटा है। तो यहाँ से गाइस मैच नॉर्मल हो जाता है, बट अपने पास वो भाई जो जिसे टेलीपोर्ट होते हैं अपन, अपना जो गुब्बारा फेंकते हैं भाई फिर जाते हैं वहाँ पे, वो भी मेरे पास नहीं है, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको। और अपने पे लेवल 1 का हेलमेट वेस्ट है, जोन तो अपने पास है बट लूट चाहिए अपन को अच्छा खासा। तो जैसा कि मैंने बताया कि भाई इस मतलब क्राउन में पहुंच चुका हूँ, तो भाई खतरनाक बंदे आ चुके हैं। मतलब भाई इसको 2 शॉटगन लग गया है, फिर भी भाई बिल्कुल अपने अंतिम सांस तक लड़ रहा था वो बंदा, और मेरा तो भाई काफ़ी डैमेज पहुँचा दिया है। और सामने भी बंदा है भाई, उसका नेड आने से पहले निकल लो यहाँ से, बट उसका नेड नहीं आता। तो देखो गाइस मैं कैसे भाई 4 से 5 बार सर्वर हैक होता है फिर भी एंड सर्कल में पहुंच चुका हूं, बट मेरे पास ना तो स्टिंग रे है और ना ही वही वो टेलीपोर्ट वाला जो भी बोलते हैं जिसमें बबल फेंकते हैं उसमें जाते हैं, ठीक है। पंगा यही है कि भाई यहां से मैं निकल नहीं पाता, और लूट भी नहीं है बंदों पर, बात ये है। तो भाई ये शैक के पीछे जाता है, मेरे को लगा मौली करूँगा, बट भाई वो शैक के अंदर आ जाता है, तब तक मेरे हाथ में गन नहीं थी। तो और भाई मेरे पे अब जोन भी नहीं है, जोन बिल्कुल ही ओपन में है। तो ओपन जोन मतलब भाई स्टिंग रे भाई काफी काम आता। और देखो दूर भाई बंदा मस्त चमकाया उसको, बट भाई वो ऑटो मतलब ऑटो नहीं खुद ही रिवाइव हो जाएगा दोबारा, सेल्फ रिवाइव। तो यहीं था गाइस यहाँ पे ही। आगे मैं भाई मैंने प्लान किया था कि भाई बगी उठाऊंगा इसका, और भाई एंड बिल्कुल ओपन सर्कल में खेलेंगे फिर बग्गी चलाते चलाते, यही प्लान था मेरा। 4 सेकंड बाकी है, बट यहाँ पे डैमेज पहुँचता है भाई, मेरे को यहाँ पे प्रोन होना चाहिए था, प्रोन का बटन नहीं दब रहा। और ये देखो गाइस मतलब इस बंदे पे ये टट्टा पक्का है कर रहा है, मादर जात सब कुछ था उसके ऊपर। और भाई 3-3 बंदों पर स्टिंग रहे, मादर जात ये लोग को पता मतलब कैसे मिल गया पता नहीं, शायद से इवेंट के अंदर से पहले मिल गया होगा। तो गाइस अगर आप कभी सर्वर कभी कभी हैक हो जाता है वहाँ पे, तो ऐसे खेल के आप भाई अपना माइनस होने से बच सकते हो कॉन्करर लॉबी में, क्योंकि भाई कॉन्करर पुश वाले के लिए भाई ये भाई बहुत ही मुश्किल हो जाता। और क्राफ्टन की माँ की आँख अभी तक ठीक नहीं कर पाए, बिल्कुल मजाक बन के रखा है क्राफ्टन तो, माँ की आँख। गेम कोई भी आता है पेल के चले जाता है, क्राफ्टन देखता रह जाता है।